हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस। ऑटो स्पेस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया सिस्टम लेके बात करेंगे, वो है गाड़ी का कूलिंग सिस्टम। बेसिकली आप देखे होंगे कूलिंग सिस्टम दो टाइप होता है। एक है एयर कूलिंग सिस्टम जो आप नॉर्मल बाइकों में देखते हैं, जैसा इंजन का ब्लॉक का चारों तरफ फिन्स बना हुआ रहता है, वो फिन जैसा एटमोस्फेयर गाड़ी चलता है वो एयर उसमें टकराता है तो उसको ठंडा करके फिर चले जाता है यार। तो और बाकी जो फोर व्हील गाड़ी या हमारा कार हो गया, ट्रक बसेस हो गया, उसमें जो कूलिंग सिस्टम रहता है वो है आपका लिक्विड कूलिंग सिस्टम। लिक्विड कूलिंग सिस्टम में हम लोग बेसिकली वाटर यूज करते हैं, अभी फिलहाल में वाटर छोड़ के हम लोग कूलेंट यूज करते हैं। सो आज देखेंगे गाड़ी में जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम रहता है वो कैसे काम करता है और उसका हर एक कंपोनेंट अलग अलग फंक्शन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज लेके हम लोग बात करेंगे। सो बने रहिए वीडियो को एंड तक। तो पहले जान लेते कूलिंग सिस्टम का क्या काम है। कूलिंग सिस्टम का ये काम है, जैसे लिक्विड कूलिंग सिस्टम में लिक्विड जैसा पंप करके जैसा इंजन ब्लॉक में भेजते हैं, तो इंजन ब्लॉक का जो आपका वाटर जैकेट है वो वाटर जैकेट थ्रू इंजन में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो हीट को कंट्रोल कर रहा है। अगर कूलिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो इनका जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो काफी गुना हाई हो जाता है। उसमें हाई होने से क्या होता है, इंजन का जो ऑयल पार्टिकल वो ब्रेक हो जाता है, मतलब आपको लुब्रिकेटिंग सिस्टम फेल हो सकते हैं। तीसरा इंजन सीज भी हो सकता है। चौथा और अदर्स जो कॉम्पोनेंट है, जैसा टर्बो चार्जर हो गया, आपको एयर कंप्रेसर हो गया, और एजीआर वाल्व के लिए जो कूलिंग सिस्टम है एग्जॉस्ट गैस को कूलिंग करने के लिए, वो सिस्टम भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो इतना सारे कारण के लिए हमको एक कूलिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो चलिए देख लेते कूलिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या है। कूलिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, यह है रेडिएटर, जो रेडिएटर है रेडिएटर से, और एक है वाटर पंप है, फैन है, थर्मोस्टेट वाल्व है, और यह वाटर जैकेट है। इंजन का चारों तरफ ब्लॉक में वाटर जैकेट रहता है, और यह रेडिएटर का लोअर टैंक या अपर टैंक। तो रेडिएटर जो है, रेडिएटर बेसिकली आपको हीट को एक्सचेंज करने के लिए, मतलब कूलेंट के अंदर जो हीट रहेगा जैसा एयर आएगा टकराएगा रेडिएटर कोर में तो हीट को एटमोस्फेयर में रेडिएटर छोड़ देगा। सो कूलेंट रिपीटली, अगर गर्म कूलेंट इसमें अपर टैंक से आया तो रिपीटली जैसा लोअर टैंक में आएगा तो ठंडा हो जाएगा। तो रेडिएटर बेसिकली आपको कॉपर रेडिएटर का जो कोर है कॉपर एल्यूमिनियम ब्रास ये सब मेटल का बनता है जो जल्दी हीट को रिड्यूस कर सके एटमोस्फेयर में। और रेडिएटर का ये होगा अपर वाला टैंक, हो गया अपर टैंक, बीच में कोर रहता है रेडिएटर कोर और फिन्स रहते हैं, और नीचे जो टैंक है स्टोरेज टैंक वो है लोअर टैंक रेडिएटर का। ये लोअर टैंक और अपर टैंक और सिलेंडर जो ये हेड है, ये सिलेंडर का अगर हेड है और ये अपर टैंक है, दोनों का बीच में रहता है थर्मोस्टेट वाल्व, और ये सामने रहता है वाटर पंप। सो लोअर टैंक से जो वाटर पंप तक कनेक्शन है ये इंजन में कूलेंट जाने के लिए है, ये कूलेंट ठंडा रहता है। सो यहाँ से वाटर पंप के लिए होस कनेक्शन है, और वाटर पंप से फिर कूलेंट पंप होने के बाद फिर इंजन बॉडी में जाता है। सो जैसे इंजन स्टार्ट हो गया, ये जो पुली है ये आपको वाटर पंप का पुली डायरेक्ट आपको इंजन का जो क्रैंकशाफ्ट पुली है वो पुली के साथ डायरेक्ट बेल्ट ड्राइव रहता है। सो क्रैंकशाफ्ट पुली जैसा घूमने लग जाएगा तो वाटर पंप भी सेम उसी पुली के ऊपर बेल्ट फिट है तो वो भी घूमने लग जाएगा। जैसे ही घूमने लगेगा तो ये लोअर टैंक से कूलेंट को सक्स करेगा, जैसे लोअर टैंक को कूलेंट सक्स किया फिर उसको प्रेशर बनेंगे, आपको इंजन का जो वाटर जैकेट है ये वाटर जैकेट को भेज देगा, वाटर जैकेट थ्रो और सिलेंडर हेड वाटर जैकेट और ये सिलेंडर का जो कंबशन चेंबर है उसको चारों तरफ घूम के फिर वो रिपीटली ऐसा रिटर्न आएगा आके फिर थर्मोस्टेट होके ये सीधा हॉट कूलेंट जो है, क्योंकि सर्कुलेशन होने के बाद जो अंदर हीट है वो हीट एब्जॉर्ब करके जो हॉट हो जाता है कूलेंट हीट हो जाता है, हीट होने के बाद वो फिर आता है आपको ये अपर टैंक में जैसे आया वो फिर रिपीटली अपर टैंक से थ्रो कोर के द्वारा नीचे आएगा, और यहाँ से जो एटमोस्फेयर से एयर जाएगा वो एयर जाके आपको जितना कूलेंट हीट हुआ था वो हीट फिर रेडिएटर छोड़ देगा तो एटमोस्फेयर में हीट चलेगा, फिर रिपीटली कूलेंट ठंडा हो जाएगा, फिर ऐसे सर्कुलेशन चलते रहेगा। और यहाँ पे वाटर पंप के साथ सेम लाइन में सेम साथ में एकदम एक आपको फैन भी फिट किया हुआ रहता है। तो फैन इसमें क्या है, जैसे गाड़ी चलते हैं तो सामने से तो एयर आ जाते हैं तो उसमें रेडिएटर का जो कोर है वो हीट रिड्यूस करते हैं, मतलब कूलेंट ठंडा होते हैं। फैन बेसिकली यहाँ पे एक काम है, एक नंबर है, तो जैसा गाड़ी स्टैटिक कंडीशन में है पर स्टार्ट है गाड़ी स्टैटिक कंडीशन में है तो उस टाइम तो एयर आता नहीं है। सो उस टाइम क्या करता है, आपको फैन घूमता है, चाहे इंजन के स्पीड में घूमता है या इंजन का इंजन से ज्यादा स्पीड में घूम के
इसको एयर सप्लाई करते हैं। सो जैसा इंजन ज्यादा स्पीड में घूम के घूमता है या स्टैटिक कंडीशन में घूमते हैं तो वो भी उसी तरह सेम एयर खींचते हैं, तो वो रेडिएटर को कूलेंट ठंडा होने में मदद करते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में गाड़ी जैसे चलते है उसी टाइम भी एक घूम के इसको और ज्यादा मैक्सिमम एयर खींच के उसको ठंडा होने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं थर्मोस्टेट वाल्व लगा है, आपको जैसा कूलिंग करने के बाद जैसा अपर टैंक में रिटर्न जा रहा है तो वहां पे थर्मोस्टेट वाल्व लगा रहता है। थर्मोस्टेट वाल्व का एक काम है इंजन का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो जल्दी लाने का। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली कॉमन ही बात है 85 to 90 degrees Celsius जो है इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। सो नॉर्मल कंडीशन में जैसा फर्स्ट हमने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय आपको थर्मोस्टेट ओपन नहीं होगा, मतलब वाटर पंप तो पंप करके आपको कूलेंट को तो अंदर इंजन का अंदर भेजेगा, भेजने के बाद ये थर्मोस्टेट ओपन नहीं होगा क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर 85 से 90 अगर आप रीच नहीं हुआ तो उस टाइम अगर टेम्परेचर उससे कम रहेगा तो बंद हो जाएगा। सो यहाँ पे कूलेंट को इधर पास होने नहीं गया। सो यहाँ पे एक बाईपास लाइन है, वो जो कूलेंट इंजन से सर्कुलेशन होकर रिटर्न जा रहा था आपको जो थर्मोस्टेट वाल्व वो बंद होने के कारण फिर बाईपास लाइन होके फिर वाटर पंप में वही कूलेंट आ जाएगा गर्म कूलेंट। सो वाटर पंप क्या करेगा उसी कूलेंट को फिर सर्कुलेशन करेगा। सो जब तक आपको 85 से 95 रीच नहीं होता टेम्परेचर तब तक ये थर्मोस्टेट ओपन नहीं होगा और ये सर्कुलेशन कंटिन्यू इंजिन के अंदर ही होते जाएगा। जैसे 85 से 90 टेम्परेचर हो गया तो थर्मोस्टेट ओपन हो जाएगा। थर्मोस्टेट ओपन होने से जैसा हॉट कूलेंट नॉर्मली अपर टैंक में चले जाता है और वाटर पंप फिर रिपीटली आपको लोअर टैंक से कोल्ड कूलेंट को सक्शन करना शुरू कर देगा। तो ये है थर्मोस्टेट काम है जल्दी इंजन का ऑपरेटिंग टेम्परेचर लाना। अगर जल्दी ऑपरेटिंग टेम्परेचर नहीं लाया उससे भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर ऑपरेटिंग टेम्परेचर नहीं आया तो इंजन में व्हाइट स्मोक मारेगा, प्रॉपर कंबशन के लिए हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो व्हाइट स्मोक मारेगा इंजन और इंजन का वायर एंड टियर ज्यादा होने का चांसेस है। सो इसलिए थर्मोस्टेट वाल्व लगाया जाता है। जैसा इंजन का टेम्परेचर 85 से और नीचे आ जाएगा तब थर्मोस्टेट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। कैसे होता है, थर्मोस्टेट के अंदर जो वाल्व है वो वाल्व के अंदर आपको वॉक्स पैलेट रहता है। वॉक्स पैलेट क्या होता है, जैसा वॉक्स पैलेट एक जेल टाइप रहता है वो क्या होता है, जैसा टेम्परेचर 85 अप हो गया तो वॉक्स पैलेट फैल जाता है, फैलने से क्या थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है। जैसा 85 के नीचे टेम्पर या 90 के नीचे टेम्पर आ जाता है तो वॉक्स पैलेट फिर कंडेंस हो जाता है तो वाल्व फिर बंद हो जाता है। तो उसी फंक्शन से ये थर्मोस्टेट दिया गया। सो वही फंक्शन है थर्मोस्टेट का। बाकी वाटर पंप जो है, वाटर पंप है सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप है। वाटर पंप आपको क्रैंक का जो स्पीड है भाई इंजन का जो स्पीड है उससे कहीं गुना ज्यादा स्पीड में घूमते हैं और इसका अंदर वो इम्पीलर टाइप का पंखा दिया और सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप है वो मैक्सिमम 10,000 लीटर तक आपको जो कूलेंट है पर आवर वो सप्लाई करते हैं इंजन के अंदर, फोर्स कूली सप्लाई करते हैं। और ये जो फैन है वेरियस टाइप फैन आता है, कई छोटे गाड़ी में देखा हुआ इलेक्ट्रिक फैन आता है, मतलब बैटरी से चलने वाला जो फैन है इलेक्ट्रिक फैन, कोई गाड़ी में विस्कोस क्लच टाइप फैन आता है, कोई गाड़ी में मैग्नेट फैन आता है। सो हम पूरा उसी के बारे में अलग से वीडियो में बात करेंगे अलग अलग टाइप का फैन के बारे में। और ये रेडिएटर के जाने के बाद रेडिएटर का अपर टैंक ऊपर देखेंगे एक कैप लगा रहता है, वो कैप कभी भी आपको हीट करने जब गाड़ी इंजन हीट रहेगा कभी खोलना नहीं। और ये कैप के अंदर दो फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है क्या उसको प्रेशर रिलीज करना, जैसा ये सर्कुलेशन हो रहा है इंजन काफी देर तक चल रहा है तो चलने से अंदर प्रेशर क्रिएट होता है। अगर प्रेशर आपको 0.7 से लेके 1.1 बार के ऊपर हो गया तो वो ये जो कूलेंट का जो प्रेशर है वो प्रेशर बाहर रिलीज कर देगा। रिलीज कर क्या होगा, ओवरफ्लो पाइप थ्रो कोई एक्सपेंशन जो टैंक रहेगा अलग से रिजर्व टैंक रहेगा उसमें रिलीज कर देगा प्रेशर। जैसे गाड़ी आप बंद करके चले जाएंगे तो गाड़ी में जैसे कूलेंट ठंडा होते जाएगा तो जितना प्रेशर वो रिलीज किया था उतना प्रेशर तो अंदर वैक्यूम बन जाएगा क्योंकि ये तो पूरा सील है तो अंदर वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम को कवर करने के लिए इसमें अंदर एक छोटा वाल्व है जो 2 नंबर वाल्व है वो वाल्व होता है आपको वैक्यूम वाल्व। वो क्या होता है, जैसा अंदर कूलेंट ठंडा हो गया आपको वैक्यूम क्रिएट हो गया क्योंकि प्रेशर रिलीज किया था तो वो वैक्यूम जगह को कवर करने के लिए वो वैक्यूम वाल्व ओपन हो जाएगा और एटमोस्फेयर से जितना वैक्यूम हुआ था उतना एयर फिर अंदर आ जाएगा। सो रेडिएटर जो प्रेशर क्या है उसका मतलब महत्वपूर्ण काम रहता है जो कूलिंग सिस्टम में। अभी पहले गाड़ी में क्या होता था, हम लोग कूलिंग के लिए कूलिंग सिस्टम में वाटर यूज करते थे, नॉर्मल पानी यूज करते थे, उसमें भी कूलिंग हो जाता था पर उसमें एक समस्या, जैसा गाड़ी कोई कोल्ड एरिया में चल रहा है या माइनस जहां पे माइनस टेम्परेचर है उसका उसी एरिया में गाड़ी चल रही है तो उस समय एक समस्या रहता है कूलिंग सिस्टम में जो पानी है वो फ्रेज होने का संभावना है। सो वो संभावना है और बाकी पानी हम लोग नॉर्मल पानी यूज करने से क्या होता है, इंजन के अंदर जो वाटर जैकेट है एकदम बारीक जो वाटर जैकेट है या ये जो फिन्स है इसमें ज्यादा करोशन पकड़ने का प्रॉब्लम है
सो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग अभी गाड़ी में कूलेंट यूज करते हैं। कूलेंट में क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल का एक और फ्रेश वाटर का मिक्स रहता है, वो रहने से क्या हुआ, एक तो इंजन वाटर जैकेट जो है उसमें जो बारीक पोर्ट है जहां से वाटर पास होते हैं, तो वो पोर्ट जो है वो ब्लॉक जल्दी नहीं होगा, करेसन जल्दी पकड़ेगा नहीं, या अगर व्हीकल मेरा गाड़ी माइनस टेम्परेचर में भी काम करेगा वहां चलेगा, तो उसी एरिया में आपको कूलेंट फ्रीज होने का संभावना नहीं है। सो ये सब समस्या दूरी करने के लिए हम लोग गाड़ी में कूलेंट यूज करते हैं। और ये जो रेडिएटर अपर टैंक है, यहाँ से प्रेशर जैसा रिलीज करते तो अदर एक्सपेंशन टैंक रहते हैं, पर जो कमर्शियल व्हीकल्स है, बस है, ट्रक है, उसमें उसके लिए थोड़ा सा अलग सिस्टम है। चलिए देखते हैं उसमें कैसा सिस्टम रहता है। सो बड़े गाड़ी में क्या होता है, बड़े गाड़ी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जैसे कमर्शियल व्हीकल में मैंने बताया है, उसमें रेडिएटर का जो अपर टैंक है, रेडिएटर का अपर टैंक के ऊपर आपको रेडिएटर का जो प्रेशर कैप मैंने पिछले स्लाइड में देखा था, वो प्रेशर कैप नहीं रहता है, उसके ऊपर रेडिएटर का अपर टैंक के ऊपर एक रहता है डीएरेशन टैंक, एक स्टोरेज टैंक रहते हैं, वो डीएरेशन टैंक, वो डीएरेशन टैंक के ऊपर आपको ये रेडिएटर प्रेशर कैप मिलेगा। और ये डीआरएसएन टैंक के साथ एक पाइप कनेक्ट होस कनेक्शन रहता है, वो होस कनेक्शन अपर टैंक के साथ रहते हैं। और नॉर्मली ये डीआरएसएन टैंक के साथ एक बारीक होस कनेक्शन रहता है अपर टैंक के साथ, ये वाला होस कनेक्शन, और डीआरएसएन टैंक के साथ ये जो सिलेंडर हेड के ऊपर जो होस है रिटर्न लाइन, मतलब कूलिंग करने के बाद जो रिटर्न आता है रेडिएटर में, वो वहां पे भी एक रहता है बारीक होस कनेक्शन रहता है। वो डीआरएसएन टैंक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि कभी कभी देखा गया कि कूलेंट सिस्टम में ईआर रहता है, जैसे हम पूरा कूलेंट कहीं से लीकेज हो गया फिर रिपीटली कूलेंट डालते हैं, तो सिस्टम में कभी कभी ईआर इन हो जाता है, तो ऐसा देखा गया कि ईआर इन होने से कूलेंट एफिशिएंसी जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो वो ईआर को सिस्टम से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो कूलेंट एफिशिएंसी काफी कम हो जाता है। तो वो निकालने के लिए ये डीएरेशन पाइप लगा, जो होस है डीएरेशन होस लगाया गया। वो डीएरेशन होस क्या होता है, ये बारीक पाइप कनेक्शन डीएरेशन टैंक के साथ एक रेडिएटर अपर टैंक से एक सिलेंडर हेड के ऊपर से जाता है। उसमें क्या है, अगर इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम में कुछ एयर बचा रहेगा तो ये पाइप थ्रू डीएरेशन टैंक में जाकर रिलीज हो जाएगा एयर वो, और अगर रेडिएटर के अंदर जो अपर टैंक है वहां पे जो अगर कुछ एयर बचा रहेगा सिस्टम में, मतलब पानी के साथ कुछ एयर मिक्स है, तो वो एयर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। सो वो एयर रिलीज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कूलिंग एफिशिएंसी काफी गुना कम हो जाता है। और ये कूलिंग सिस्टम सिर्फ इंजन को कूलिंग करने के लिए नहीं है, हम लोग अब कूलिंग सिस्टम से काफी सारे काम हो रहे हैं हमारा, ये कूलिंग सिस्टम हो रहा है, कंप्रेसर को कूलिंग कर रहे हैं, एयर कंप्रेसर जो एयर ब्रेक के लिए उसको कूलिंग कर रहे हैं, इंजन में जो टर्बो चार्जर है टर्बो चार्जर को कूलिंग कर रहे हैं, एजीआर जो वाल्व है BS6 में एजीआर वाल्व को कूलिंग कर रहे हैं, एयर वाल्व का जो एग्जॉस्ट गैस आ रहा है उसको भी कूलिंग कर रहे हैं वहां पे, और बाकी केबिन में हीटिंग के लिए जो हम लोग सर्दी में जो हीट कर केबिन हीट करने के लिए जो सिस्टम यूज करते हैं उसमें भी ये हॉट कूलेंट का यूज हम लोग करते हैं। सो ये उम्मीद करता हूँ आपको एक कूलिंग सिस्टम बारे में काफी जानकारी मिला है यहाँ से हर एक कंपोनेंट का, और आगे जाके हम लोग देखेंगे ये जो फैन और कितना प्रकार की फैन होता है उसका अलग अलग क्या काम है। थर्मोस्टेट अगर आपको और ज्यादा डीपली नॉलेज चाहिए तो उसमें इसके लिए मुझे कमेंट करिए, और बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।